दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडुतंत्र। आपदा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो जितना गरीबों को परेशान करती है उतना ही अमीरों को भी परेशान करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब अपनी नियति को लेके वहाँ पे रोता रहता है और अमीर अपनी उस जगह का त्याग करके कहीं और आराम से बस जाता है। ये चीज़ बिहार की नियति का एक बड़ा हिस्सा है। बिहार में बाढ़ आती है तो क्या विधायक, मंत्री, सांसद परेशान नहीं होते होंगे? सुशील मोदी की आपको वो तस्वीर ज़रूर याद होगी जिसमें वो हाफ पैंट में NDRF की टीम का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको उनके घर से निकाला जाए और कहीं और पहुंचाया जाए। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बिहार के गरीब लोगों के लिए शायद इस व्यवस्था का इंतज़ाम करा पाना प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। बिहार में बाढ़ है, जनता बेहाल है, क्योंकि नीतीश कुमार है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा है कि बिहार बाढ़ से डूब चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को ये दिखता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं निशन लाइव। बिहार में जहाँ पानी के निकलने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, वहाँ पे इस वक्त में एक प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है महामारी से बचने का। खबर छपरा की है, छपरा के बाघाकुल पंचायत की। यहाँ के पूर्व मुखिया हैं अनिल सिंह, जो महामारी ना फैले इसलिए जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ वहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, इनके खुद का घर बाढ़ में डूब चुका है और क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी मौजूद नहीं है। शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी का तात्पर्य यही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ से निकल सकते हैं, वो निकल लिए और जनता वहीं के वहीं रह गई। मौलिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना ज़रूर है कि राजीव प्रताप रूढ़ी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या करना है। राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी इतना बड़ा कार्य तब कर रहे हैं जब बिहार की जनता ने पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बहुमत दिया हुआ है और पिछले 10 वर्षों से या पिछले 2 लोकसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर लोकसभा सीट्स भी दे रखी है। और बिहार को रिटर्न में क्या मिला है, ये आप पिछले कुछ दिनों से नेशन लाइव पे बिहार बाढ़ की स्पेशल कवरेज में देख पा रहे हैं। कहीं पे विधायक मौजूद नहीं है तो कहीं पे सांसद मौजूद नहीं है। ये खबर बाघाकुल पंचायत की है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। सोचिए ये कितना बड़ा कार्य है। महामारी से बचने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। लोगों को महामारी से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना एक साहसिक कदम है और इस साहसिक कदम को उठाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उनके वजन के सोने तोल देने चाहिए और उसे दान दे देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है वो एक ऐसा कार्य है जिसकी तुलना, जिसकी कीमत हम और आप तो लगा ही नहीं सकते। वो लोग जो बाढ़ के पानी में चलने को मजबूर हैं, वो लोग जो अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित हो जाने को मजबूर हैं, वो लोग जो टेंटों में अपना निवास बनाने को मजबूर हो चुके हैं, उनको तो राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा किए गए इस कार्य के लिए ज़रूर ही धन्यवाद देना चाहिए। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए और स्पेशली बिहार की स्पेशल बाढ़ कवरेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।